यह है दोस्तों आईफोन 13। और अगर आप लोग आईफोन 13 को ग्रैब करना चाहते हैं अभी आने वाली रिपब्लिक डे की सेल में, तब आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईफोन 13 आप लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली अमेजोन के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड अभी आने वाली रिपब्लिक डे सेल के अंदर कैसे आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर आईफोन 13 को ग्रैब कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। और उसी के साथ साथ अभी सेकंड हैंड मार्केट में आईफोन 13 की प्राइस क्या चल रही है एंड जिस प्राइस पर आईफोन 13 आने वाला है, क्या आप लोग उसको परचेस करना चाहिए या फिर उसके 8-10 दिन बाद आप लोग कोई और सेल देखने के लिए मिलेगी जहां पर कि आप लोगों को आईफोन 13 ज्यादा सस्ते प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों के सारे डाउट आईफोन 13 से रिलेटेड एंड रिपब्लिक डे सेल से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लूं कि आईफोन 13 आप लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अमेज़न के ऊपर रिपब्लिक डे की सेल के अंदर आईफोन 13 लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रिपब्लिक डे सेल की अगर आप लोगों से बात कर लूं तो जो रिपब्लिक डे सेल पिछले साल थी 2023 में, वहां पर आप लोगों जो सेल थी वो आप लोगों को 16 जनवरी को देखने के लिए मिल रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी आप लोगों को 15 या फिर 16 जनवरी को रिपब्लिक डे की सेल देखने के लिए मिल जाए। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को आईफोन 13 इस बार लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो अमेजोन के ऊपर इस बार आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाए। प्राइसिंग की अगर आप लोगों से बात कर लूँ तो आईफोन 13 इस बार आप लोगों को 48,000 रुपीज के अप्रोक्स रिपब्लिक डे की सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये दोस्तों मैंने आप लोगों को प्राइस बताई है 48,000, ये जो है 48,000 या फिर 48,500 रुपीज के अप्रोक्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग की मतलब जो कार्ड डिस्काउंट है वो आप लोग कितना देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम आप लोगों को 1500 या फिर 2000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो प्राइस है वो आप लोगों को 48,000 या फिर 48,500 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगी। अभी करंटली अगर आप लोग चेक करेंगे अमेजोन के ऊपर तो 48,500 रुपीज के अप्रोक्स आप लोगों को रिपब्लिक डे की सेल में आईफोन 13 देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि उसके 8-10 दिन बाद कोई ऐसी सेल है जहां पर कि आप लोगों को इससे ज्यादा कम प्राइस में आईफोन 13 देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपब्लिक डे की सेल के बाद आप लोगों को डायरेक्टली अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल एंड बिग बिलियन का वेट करना पड़ेगा, उसके पहले कोई भी बड़ी सेल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है जहां पर कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि सेकेंड हैंड मार्केट में अभी आईफोन 13 की प्राइस क्या चल रही है, तो अगर आप लोग जो सेकेंड हैंड परचेज करने जाएंगे तब 36,000 रुपीज़ के अंदर एक अच्छी कंडीशन वाला आईफोन 13 आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फोन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा न्यू है, मतलब यहाँ पर जस्ट लाइक अनबॉक्स्ड है, लाइक न्यू कंडीशन है, तब आप लोगों को 38,000 रुपीज़ के अंदर सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 13 आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। आईफोन 13 की यहाँ पर मुझे प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है आईफोन 15 के लॉन्च के बाद, क्योंकि दो सीरीज पहले वाला आईफोन 13 यहाँ पर में जो है बन चुका है। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि आईफोन 13 को क्या इस प्राइस पर परचेज करना वर्थ इट है, देखिए दोस्तों अगर आप लोग को अर्जेंटली चाहिए तब आप लोग इस प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 48,500 रुपीज़ 2024 में आईफोन 13 के लिए पे करना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्थ इट वो जो है नहीं रहने वाला है। एंड अगर आप लोग को अर्जेंटली चाहिए तब आप लोग आईफोन 13 को परचेज कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि लोएस्ट प्राइस के अंदर आप लोग कैसे आईफोन 13 को रिपब्लिक डे की सेल के अंदर ग्रैब कर पाएंगे, इसके लिए आप लोग कोशिश ये करने की जो पहले दिन जो सेल आ रही है उसी सेल में आप लोगों को आईफोन 13 को ग्रैब करना है। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट कर देंगे तब यहाँ पर 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ यहाँ पर जो आईफोन 13 की जो प्राइस है वो आप लोगों को बढ़ते हुए दिखेगी। एंड ये जो मैंने आप लोगों को प्राइस बताई है 48,000 ये यहाँ पर मैं ऑल बैंक ऑफर या फिर मैं बोल दूँगी कार्ड ऑफर वगैरह लगा देने के बाद की प्राइस है। बिना कार्ड ऑफर के आप लोगों को 50,000 रुपीज़ के अप्रोक्स आईफोन 13 इस बार की सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट डील है, कोई इतनी भी ज़्यादा अच्छी डील यहाँ पर मैं मुझे आईफोन 13 की अमेजोन के ऊपर देखने के लिए नहीं मिली। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल की जो 2023 के अंदर आई थी बेसिकली, तो वहाँ पर जो आईफोन 13 है उसकी डील प्राइस आप लोगों को 46,500 रुपीज़ के अप्रोक्स देखने के लिए मिल रही थी। इसके ऊपर आप लोगों को 2000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल रहा था एंड 2000 रुपये का आप लोगों को उसके ऊपर जो है कार्ड ऑफर देखने के लिए मिल रहा था। तो इफेक्टिवली जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को 40,000 रुपीज़ का पड़ रहा था। एंड अगर आप लोग कार्ड डिस्काउंट वगैरह हटा भी दे तब भी आप लोगों को जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को 42,000 या फिर 43,000 रुपीज़ के अप्रोक्स पड़ रहा था, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तगड़े डील थी। तो 2024 में फिर दो महीने बाद उससे ज़्यादा प्राइस पे करना आईफोन 13 के लिए, वो भी ऐसा नहीं लगभग 6-7 हज़ार रुपये प्राइस ज़्यादा पे करना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो दोस्तों बस इस सारी कहानी थी आईफोन 13 की अभी रिपब्लिक डे की सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए मैं इतना ही, मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, अगली बार दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।